नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के प्रोमिनेंट स्कूल में हूं, गुरु तेग बहादुर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और आज एनुअल फंक्शन है। तमाम शख्सियतें यहां पर आई हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल यहां पर मोनिका तेरिया हैं, प्रेसिडेंट यहां पर हैं, पटनागर साहब के भी पटनागर साहब यहां पर, सभी से बात करेंगे। मैडम, बड़े दिन से इंतजार था आपको भी कि स्कूल का एक एनुअल फंक्शन होगा, कुछ कर दिखाने को, क्योंकि काफ़ी साल से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है आपका स्कूल। बिल्कुल सर, हम वेट कर रहे थे कोविड की वजह से ना, ये होना तो 2-3 साल पहले था, लेकिन अब हमें मौका मिला है और बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। सबसे मेन बात है कि कोई कोरियोग्राफर नहीं आया हमारे स्कूल, ये सब टीचर्स की ही मेहनत है। छोटे छोटे बच्चों को एकदम से कराना, एक उनको प्यार से कराना, और बाकी आशीर्वाद हमारे एकेडमिक डायरेक्टर भटनागर सर हैं और चेयरमैन सर का जो हमारे ऊपर हाथ रहता है। एक रणजीत सिंह यहाँ पर हैं। दूसरी बात यह है कि आपके स्कूल में जितनी तैयारियां आपने कराई हैं, उसका जिस निकल के आ जाएगा इस फंक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर ये ऊपर वाला चाहेगा तो निकल के जरूर आएगा सर। बहुत मेहनत करती हैं मैडम मोनिका हैं, सदाचरणजीत सिंह भी प्रेसिडेंट हैं स्कूल के। सर कैसा लग रहा है, मतलब अवसर है ये, या अवसर होते हैं स्कूल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मैडम मोनिका जी, एकेडमिक डायरेक्टर भटनागर जी, बाकी सारा स्टाफ, उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत की वजह से ये सिस्टम सारा बहुत कलेक्टिव एफर्ट होते हैं। सर एक कमेंट आपसे भी लूँगा, पटेल साहब आपका तजुर्बा बहुत रहा है और इस तजुर्बे का फ़ायदा जो है हांसी के लोगों को मिल रहा है। आज एनुअल फंक्शन है, क्या कहें? धन्यवाद। बस बीच ये है कि जितना हमसे ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वट एवर आई हैव गेन्ड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव इट टू द पब्लिक, टू द चिल्ड्रन, टू द पीपल ऑफ हांसी। दिस इज वॉट माई प्लानिंग इज एंड लेट अस सी वट हैपन्स, वट गॉड हेल्प्स अस इन दैट ऑल। वो टिका के मेहनत करते हैं ना, खूब करते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं कि वे लेट अस सी, मतलब उन्होंने अपना काम कर दिया, अब उसके बाद में रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं, जनता के सामने भी आते हैं और शहर के लिए बड़ी अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा बेहतरीन स्कूल शहर को एक मिला है, शहर के लोगों को मिला है। इनफैक्ट बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और मैं काफ़ी लोगों से भी मिल भी रहा था, सरकारी टीचर्स हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं जैसे ही आया स्कूल में एंटर किया तो कई लोगों से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बेशक वो कहीं और पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लेकिन बच्चे गुरु तेग बहादुर स्कूल में हैं। सरदार चरणजीत सिंह जी का नाम तो बाद में आएगा, पहले सरदार दर्शन सिंह जी, जिन्होंने इस पौधे को लगाया भी और उसको सींचा भी बखूबी। मैं कहता हूँ जो आज कुछ आप सब कुछ देख रहे हैं वो सरदार दर्शन सिंह की देन है। मैं चरणजीत सिंह की इसलिए तारीफ करना चाहता हूँ कि उसने उस पौधे को ये पूरी तरह से, जो उनका सपनों का स्कूल था, उसको पूरी तरह सिंचित कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे हांसी इलाके के बहुत से बच्चे इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस स्कूल का बड़ा नाम है। हर एक्टिविटी में, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे एकेडमिक वो हो, हर फील्ड में ये स्कूल हमारे हांसी में एक अच्छी श्रेणी के स्कूलों में आता है। हमें इस स्कूल पर फख्र है और मैं इसके बारे में पूरी मैनेजमेंट की और पूरे इनके स्टाफ की मैं प्रशंसा करता हूँ। नाम ही गुरु के नाम से स्टार्ट होता हो, उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, वो तो हाँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी के, मैं तो सारे सिखों जितने भी गुरु हैं, अगर उनकी आप कुर्बानियों को याद करें और उनके दिए गए योगदान के बारे में, देश के लिए योगदान के बारे में, धर्म के लिए योगदान के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं और उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, तो निश्चित तौर पर इनसे बढ़िया कुर्बानियाँ कोई दे नहीं सकता। इनकी कुर्बानियों का जब जिक्र आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से इन्होंने स्कूल बनाया है, ना केवल स्कूल बनाया है बल्कि इस इलाके के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया है। आज मेहमान ने खुसूसी आज चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए मुख्य अतिथि ऑडियंस आपको नजर आ रही है, ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। देखिए मुख्य अतिथि होना ही अपने आप में एक गर्व की बात है, अच्छा तो लगता ही है, मगर मैं अपने आप को कभी मुख्य अतिथि ना समझ करके, मैं तो अपने आप को सेवक समझ के जहाँ भी मुझे कोई बुलाता है, मैं एक बार भी दूसरी बार नहीं कहलवाता। वो कहते हैं जी आपको आना है, मैं तो दूसरी बार ये कहलवाता ही नहीं कि मैं नहीं आ सकता या कोई और बात है या मैं कोई बहाना करता हूँ। ये तो मेरे लिए एक अच्छा अवसर होता है जब कोई मुझे सेवा का मौका देता है। मैं ना केवल यहाँ बतौर मुख्य अतिथि आया हूँ, मैं तो एक सेवक करके, क्योंकि इन बच्चों का कार्यक्रम
देखूंगा एक सेवादार के तौर पे, इनकी जो भी होगा मैं सेवा भी करके जाऊंगा।